वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है day 4 और हम जा रहे हैं बाराटांग आइलैंड, जहां हम देखेंगे मड वोल्केनोस, लाइमस्टोन केव्स, जारवा ट्राइब्स और ट्रैकिंग के मज़े लेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि हमने एक 4-व्हीलर बुक की है जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 4500 और इन्होंने ही हमारे लिए परमिशन भी अरेंज कर दी थी 2 दिन पहले। ये एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, बाकायदा इसमें आपको परमिशन लेके और अपने लिए पास इशू करवाना पड़ता है। सारा परमिशन मिलने के बाद आप आ जाइएगा जरकाटांग चेक पोस्ट, जहाँ फिर से आपके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। आपके आधार कार्ड्स, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे। फिर आपको एक कॉन्वॉय के साथ साथ जाना होगा जरकाटांग पोस्ट से मिडिल स्टेट जेट्टी की तरफ। ये रास्ता जारवा ट्राइब्स के घने जंगलों के रास्ते से जाता है। आपकी कार आपको मिडिल स्टेट जेट्टी पे उतार देगी। यहाँ से आप गवर्नमेंट फेरी से दूसरे साइड जाते हैं पानी के। उस साइड जाने के बाद आपको बाराटांग जेट्टी पे पहुँचते ही अपने लिए एक स्पीड बोट बुक करनी होगी। उसका कॉस्ट पड़ता है 800 रुपीज़ पर पर्सन। वो आपको लेके जाएगी बाराटांग लाइमस्टोन जेट्टी की तरफ। देखिए ये रास्ता जा रहा है, ये जाता है बाराटांग केव जेट्टी। यहाँ से ट्रैकिंग करके जाना है आपको लाइमस्टोन केव तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है कॉन्वॉय, आगे की तरफ पुलिस लगी हुई है। आप वहाँ उतरिए, आराम से अपने गाड़ी का फ़ोटो ले लीजिएगा ताकि आपको पता चले किस गाड़ी में थे। और यहाँ नाश्ता करने के लिए छोटे मोटे ढाबे हैं, वेज नॉन वेज सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए ये पूरा कॉन्वॉय तैयार हो रहा है और पूरे दिन में 2 या 3 बार ही ये लोग एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए अलाउ करते हैं। सबको साथ में जाना होता है। देखिए कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकते यहाँ पर, ना आप जारवा से थोड़ा भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। जारवा अंडमान की स्थानीय जनजाति है जो आज भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं और ये शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। जब भी यहाँ से कोई काफिला जाता है तो ये लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगें। अक्सर भाले दिखाकर डराते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 3,000 के आसपास जारवा बचे हैं, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे पुलिस लगी रहती है ताकि कॉन्वॉय को कोई ख़तरा ना हो जारवा ट्राइब से। देखिए यहाँ पर पुलिस लगी रहती है। ये पूरा रास्ता ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं आपको, रास्ता ख़राब हो तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। और मिडिल स्टेट जेट्टी आने के बाद अब आप अपना फोटोग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत अलाउड हो जाता है। ये सामने गवर्नमेंट फेरी आ रही है जिससे हम उस साइड जाएंगे और हम जाएंगे बाराटांग जेट्टी की तरफ। देखिए ये लोग जा रहे हैं यहाँ पर, गाड़ी आपकी यहाँ पार्क कर दी जाती है। आप यहाँ पे अपने सब सामान बैग में ले लीजिए और मिडिल स्टेट जेट्टी के सामने ही आपको गवर्नमेंट टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। सामने शेड्स हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप प्योर वेज हैं हमारी तरह तो जरकाटांग चेक पोस्ट पर जब तक आपका कॉन्वॉय वेट कर रहा होगा आप वहीं पर खाना अपना पैक करा लीजिएगा। वहाँ पर प्योर वेज बहुत सारे लोकल ढाबा अवेलेबल हैं, क्योंकि आगे की जर्नी में आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाले हैं। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं पर पैक कराइएगा, बहुत अच्छा खाना वहाँ का है। पहली वाली गवर्नमेंट फेरी हमने मिस कर दी थी, वो पूरी फुल हो गई थी, उसमें हम जा नहीं पाए थे। तो अब ये दूसरी फेरी आई है, इससे हम जा रहे हैं। 10-10 मिनट के अंतराल पे आपको हर 10 मिनट पे एक एक फेरी मिलती है। अंदर सीट्स थोड़े ही अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है तो अक्सर लोग खड़े खड़े भी चले जाते हैं। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि कोई अलग से टिकट काउंटर होगा इस फेरी के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप फेरी में चढ़ जाइए, अंदर आएंगे वो लोग आपके लिए टिकट बना देंगे। 22 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होगा। हमारे साथ साथ हमारे ड्राइवर भी इसी गवर्नमेंट फेरी से उस साइड आ गए। और देखिए ये आ चुका है बाराटांग जेट्टी। यहाँ आते ही देखिए यहाँ पे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, हमने देखा दूसरी फेरी से। तो अब आकर आपको यहाँ पे स्पीड बोट अपने लिए हायर करनी है, जिसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 800 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत सारे लोकल एजेंट्स यहाँ पे रहते हैं, वो आपको एक रिसिप्ट भी देंगे। तो आप अपना रिसिप्ट लीजिए और एक गाइड भी आपको देंगे साथ में, वो वही आपको उस साइड ले भी जाएगा, वापस ले भी आएगा। तो देखिए हम उस साइड गए, हमने अपने लाइफ सपोर्ट जैकेट्स पहन लिए, अच्छे से पहन लिए इन्हें। और काफ़ी धूप रहती है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिएगा या फिर अपने शरीर को क्लोथ से ढक लीजिएगा। फुल स्लीव्स वगैरह पहनने की मैं सलाह दूँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, और ये आपको 15-20 मिनट्स की जर्नी होने वाली है जो आपको ले जाएगी बाराटांग केव जेट्टी की तरफ। थोड़ी देर में हम आ चुके हैं अपने जेट्टी की तरफ। यहाँ क्योंकि हाई टाइड है इसलिए इस वक्त ये हमें और अंदर ले जाके छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर लो टाइड होता तो ये यहीं ड्रॉप कर देते।
वापस जाते समय हमें यहाँ तक आना होगा। खैर अभी के लिए हम और अंदर चलते हैं। देखिए ये अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट के रास्ते हमें और भी बेहतरीन व्यू मिलता है देखने के लिए। बहुत आराम आराम से ये स्पीड बोट से आपको ले जाते हैं ताकि आप पूरा नज़ारा ले सकें, और काफ़ी अच्छा लगा था। स्पीड बोट हायर करने से आपको गाइड की भी फैसिलिटी मिल जाती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता उसका, ये खुद ही आपको सब कुछ इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। इन शेड्स को देखकर तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हमने सोचा कि काश ये हमें यहीं कहीं ड्रॉप कर दें और इन ब्रिज पे चलते हुए हम आगे का रास्ता तय करें। तो इन्होंने बताया कि वापस आते समय ये पूरा जो ब्रिज है और ये शेड्स हैं इनका पूरा लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा, और जो मैं अभी इसके पहले जट्टी दिखा रहा था वहाँ तक ये रास्ता कनेक्ट होके जाता है। तो फिलहाल हमें ये आगे और लेकर आए हैं, जितना ज़्यादा आगे तक पानी अवेलेबल होगा मैक्सिमम वहाँ तक ही ले जाके हमें छोड़ेंगे, ताकि जाते वक्त हमें कम से कम चलना पड़े एटलीस्ट। तो अब यहाँ हमें इन्होंने ड्रॉप किया और यहाँ से शुरू होती है हमारी ट्रैकिंग। ये पुल पार करते ही घना जंगल शुरू हो जाता है, यहाँ से आपके गाइड आपको साथ साथ में फॉलो करते हुए ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग आए थे, काफ़ी एजेड थे फिर भी आए हैं अपने हनीमून ट्रिप पे, तो केवल यंग लोगों के लिए ये ट्रिप नहीं होती है। खैर आगे चलते हैं। तो देखिए ये एकदम गांव जैसा आपको फील हो रहा होगा, यहाँ पे खेती हो रही है, गाय भैंस भी हैं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप कहीं आगे लाइमस्टोन मिलने वाले हैं, उसके केव्स मिलने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं। खैर हमने अपनी ट्रैकिंग का मज़ा लिया, और मेरी वाइफ को भी काफ़ी शिकायत थी, भाई पिछला जो हमारा जर्नी था हमने चिड़िया टापू में ट्रैकिंग का पूरा मज़ा नहीं लिया क्योंकि बारिश आ गई थी, तो आज वो सारी कसर पूरी करने वाले हैं हम। यहाँ पर ट्रैकिंग करने में उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है क्योंकि ना बारिश है और ना रास्ता ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनफैक्ट अच्छा लग रहा था यहाँ ट्रैकिंग करके। देखिए यहाँ पर स्टेयर्स भी बने हुए हैं, तो सब कुछ बहुत नेचुरल है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे भी देखने को मिले जो काफ़ी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बीचों बीच जंगल में इस ब्रिज के पास आपको नींबू पानी और अलग अलग तरह के जूस मिल जाएंगे, उसके स्टॉल्स मिल जाएंगे। खैर ये पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको बहुत इंटरेस्ट हो लाइमस्टोन की उसके हिस्ट्री के बारे में। और अब हम आगे चल पड़े। देखिए ये आपका लाइमस्टोन केव शुरू होने लगा है, यहाँ से जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी होता जाएगा। इनफैक्ट टॉर्च लेके आए हैं हमारे गाइड, वो टॉर्च से एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कौन सा लाइमस्टोन किस शेप का है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो समुद्र में जेली फिश होती है ना सर, जेली फिश के सर, ये भी यहाँ पे शेप्स आपको दिखेंगे, जैसे ये देखिए, ये बताया जाता है कि ये हर ईयर एक इंच बढ़ता जा रहा है दोनों साइड से। इसके पास भी हम खड़े थे काफ़ी फिक्सली हमने, और इनको टच करना बिल्कुल मना है, 500 रुपीज़ का फाइन भी है अगर आपने इन्हें टच किया तो। खैर यहाँ देखिए एक सिंक होल भी था जिसके रास्ते सूरज की रोशनी आती है, और जितनी दूर आती है उतना दूर का वो ब्लैक हो जा रहा है। यहाँ देखिए थ्री नोज के शेप में भी आपको मिलेगा, कुछ इस तरह के शेप्स भी मिलेंगे। अंधेरे की वजह से वीडियो में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए साइड साइड में मैं फ़ोटो लगा के आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली हम क्या क्या देखते जा रहे हैं। जैसे ये शेप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए थ्री नोज के शेप में, 1 2 3।
देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है कि यहाँ पे टच करने पे 500 रुपीज़ का फ़ाइन है। खैर यहाँ पे काफ़ी पसीना भी होने लगा था, हमें चेहरे से दिख ही रहा होगा आपको, इसलिए हम बाहर आए कुछ देर बाद और फिर हमने कुछ अच्छी अच्छी पिक्स लें। देखिए सिंक होल था, इसका व्यू देखने लायक था। और अब ट्रैकिंग करके ऐसे जैसे आए थे वैसे वापस भी जाना होगा, तो वापस जाते जाते थोड़ी तो अब प्यास लग रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है हमें आए हुए। और रास्ते में आपको जहाँ पे एक जगह मैंने आपको दिखाया था ब्रिज के पास, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको जूस अवेलेबल रहते हैं। खैर ये देखिए यहाँ पे काफ़ी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं जिनके आप पिक्स ले सकते हैं। इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए भी बोर्ड था बट वहाँ कोई था नहीं। खैर आगे देखिए ये ब्रिज था जिसकी मैं बात कर रहा था, आते समय हम इस पर बहुत ज़्यादा लुत्फ नहीं उठा पाए थे। और यहाँ डिफरेंट शेड्स भी अवेलेबल हैं, उनमें हम रुके और हमने अच्छी अच्छी पिक्स लें। ये बिल्कुल नेचुरल बना हुआ है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। दोनों साइड आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट का व्यू मिलता है और जहाँ आप थक जाएँ तो आसपास में शेड्स अवेलेबल हैं, वहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पिक्स ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शांति और सुकून है, काफ़ी जैसे नॉर्मली आप जाते हैं तो भीड़ भाड़ भरी जगह रहती है, लेकिन ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा है। यहाँ आप जैसे जैसे पोज में चाहिए आप फ़ोटोज़ लीजिए और इन्जॉय करिए। तो कैसा लगा आपको ये बाराटांग आइलैंड का ट्रिप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम वापस चल पड़े हैं बाराटांग जट्टी की तरफ, वहाँ से हम फिर से फेरी लेंगे, वापस जाएंगे अपनी कार में और फिर कार से हम निकल जाएंगे जिरकाटांग चेक पोस्ट की तरफ। वापस जाते समय हमें जारवा देखने को मिल गए थे, खैर वरना आते समय तो नहीं दिखे थे, मन में था कि काश दिख जाएँ। और ये देखिए आपको काफ़ी कुछ अवेलेबल तो नहीं रहता, सिंपल ढाबे ही यहाँ अवेलेबल हैं, फिर भी आप यहाँ लंच कर सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये रही हमारी गवर्नमेंट फेरी, वो जब तक आपकी फेरी अगर नहीं आती है तब तक आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट हाउस में अपना खाना भी खा सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।